हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म जहां हम आप सभी तक भारत के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट या यूनिवर्सिटी से आए हुए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड सभी तरीके की जो रिक्रूटमेंट निकल कर आता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आए हुए कुल तकरीबन 1339 पोस्ट पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट मांगा गया है। हम देखेंगे कि यहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, अप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, इन सभी चीज़ों को हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं वो आप लोगों तक समय पर पहुंचता रहे। यहां पर सबसे पहले आप लोग इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, जिसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.bpsc.bih.nic.in। यहां पर जब आप लॉगिन करेंगे तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहां पर आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने को मिल जाएगा। साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने का जो लिंक है वो भी आप लोगों को यहां देखने को मिल जाएंगे। अगर हम पोस्ट से संबंधित जो सैलरी यहां पर प्रोवाइड कराई जा रही है उसके उस पर बात करें तो यहां आप देख सकते हैं जो सैलरी आप लोगों को मिलेगी वो 15,600 रुपये से लेकर 39,100 रुपये तक की सैलरी आपको मिलेगी। प्लस यहाँ पर ग्रेड पे आप लोगों को 6,600 रुपये मिलेगा और साथ ही साथ वेतन का जो स्तर है 11th पे लेवल का यहाँ प्रोवाइड होगा आप लोगों को। और उम्र की सीमा जो यहाँ पर बताई गई है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, उसमें अधिकतम 45 वर्ष तक के ही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग है या अन्य पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं, इसमें महिला और पुरुष दोनों इंक्लूड हैं, उनको 48 साल तक फॉर्म फिलअप करने के लिए आयु सीमा दी गई है। वहीं जो अनारक्षित महिलाएं हैं यानी जो जनरल कैटेगरीज़ में आती हैं, वो भी 48 साल तक के लिए 48 साल की उम्र तक फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। और वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हैं उनको 50 साल तक फॉर्म को अप्लाई करने तक की सुविधा यहाँ पर दी गई है। अगर आप बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में काम कर रहे हैं चिकित्सक के रूप में, तो यहाँ पर आपकी जो आयु सीमा है वो भी 50 वर्ष कर दी जाएगी। 50 वर्ष तक के सभी कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। वहीं जो सेवानिवृत्त जो कैंडिडेट हैं उनको 67 साल तक के लिए यहाँ पर आयु सीमा दी गई है। तो जो लोग भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं इसमें अपनी आयु सीमा को चेक कर लें, आप जिस भी कैटेगरीज में आते हैं उसके अकॉर्डिंग फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों का जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है तकरीबन 23 विभागों से निकल कर आया हुआ है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया गया है। इनमें जो विभाग हैं उसमें एनाटॉमी डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, निश्चेतना डिपार्टमेंट, बायोकेमिस्ट्री, दंत रोग, नेत्र रोग, नाक कान एवं गला डिपार्टमेंट, FMT डिपार्टमेंट, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, औषधि डिपार्टमेंट, हड्डी रोग डिपार्टमेंट, स्त्री रोग एवं प्रसव डिपार्टमेंट, मनोरोग डिपार्टमेंट के साथ साथ यहाँ पर फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट से पोस्ट मांगा गया है, फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट से पोस्ट मांगा गया है, PSM डिपार्टमेंट से, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से, शिशु रोग डिपार्टमेंट से, PMR डिपार्टमेंट से, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से, चर्म एवं रति रोग डिपार्टमेंट से, TB एंड चेस्ट डिपार्टमेंट से, जेरियास्ट्रिक डिपार्टमेंट से, रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट से यहाँ रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोगों को हर डिपार्टमेंट से अलग अलग यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन मेंशन है। और यहाँ पर ऐसे ही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो मेडिकल फील्ड से आते हैं, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है वो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में तकरीबन 23 विभागों के अधीन सहायक अध्यापक के लिए 1339 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। और अगर आप एनाटॉमी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर MD, MS या
DNB आप लोगों के पास शैक्षणिक योग्यता होनी ज़रूरी है तो ही आप एलिजिबल रहेंगे, और साथ ही साथ आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड से ये पोस्ट निकल कर आया हुआ है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पोस्ट मांगे जा रहे हैं। और आवेदन करने का जो पोर्टल है वो इनका ऑन कर दिया गया है, 26 जुलाई तक आप लोग इसका जो फॉर्म है वो भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। 26 जुलाई के बाद इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ऑफ कर दिया जाएगा और उसके बाद आप अपना जो फॉर्म है वो फिल नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो इसके लास्ट डेट से पहले फॉर्म अप्लाई कर लें। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो मांगा जा रहा है, बायोमेट्रिक फ़ीस यहाँ पर 200 रुपये रखा गया है, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। बिहार के जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, 25 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। बिहार राज्य के जो स्थायी निवासी हैं, जो महिला उम्मीदवार हैं, उनको भी 25 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। दिव्यांग के लिए 25 रुपये और अन्य सभी जो बिहार के बाहर से जो कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहां पर पे करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।